मैं अपने दस्तरखान के मेहमानों के लिए कुछ नया सा स्वाद पेश करने जा रही हूँ। पहली हमारी रेसिपी है वो है चाइनीज भेल। भेल तो हमने कई किस्म की खाई है, बट चाइनीज स्टाइल में कुछ भेल खाना कुछ अलग सी बात है। तो उसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो नूडल्स है हमारा चाउमीन, इसे हमने पारबॉइल कर लिया है। पारबॉइल हम किसे कहते हैं, जिसे हमने पानी पहले बॉईल किया, नूडल्स ऐड किया, सॉल्ट एंड अ बिट ऑफ 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, वो हल्का सा फ्राई बॉईल हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 30% बॉईल, मतलब आपको बॉईल करना पड़ेगा 2 से 4 मिनट के लिए। जब ये बॉईल हो जाएगा और इसे आप पानी से निकाल लीजिए, निकालते ही इसे ठंडे पानी में डाल दीजिए ताकि इसका जो हीटिंग प्रोसेस है वो फिनिश हो जाए। अब हम इसे एक सूखे से कपड़े में डाल देते हैं ताकि जो भी एक्सेसिव वाटर इसके अंदर है, मॉइस्चर है, वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमें ये इस तरीके के कुछ लच्छेदार नूडल्स मिल जाते हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे हम ऑयल पे ऐड करेंगे। ये तैयार हो गए कुछ इस तरीके की फ्राइड नूडल्स हो जाएंगी। ये काफी क्रिस्पी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, हमारी नूडल्स फ्राई हो चुकी हैं। इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास आनियंस लंबे कटे हुए हैं इसे हमने डाला। हमारे पास पत्ता गोभी है, लॉन्ग थिन स्लाइसेस ऑफ कैप्सिकम, ये हमने मोटी कद्दूकस कर ली है, गाजर, इसमें हम सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करते हैं। इसे हल्का सा सॉटे करते हैं। सॉटे करने के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रख दे रहे हैं। सब्जियां ज़्यादा गलानी नहीं है। जो हमने चिली गार्लिक पेस्ट तैयार किया है, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून ही चिली गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करते हैं। अब चिली गार्लिक पेस्ट बनाना कैसे है, हमारे पास जो सूखी लाल मिर्च होती है उसे पानी में बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसका पानी निकाल लें और उसमें जो हमारे पास गार्लिक होती है, लगभग अगर 5-6 लाल सूखी लाल मिर्च है आपके पास, तो उसमें आपको 7 to 8 कलियाँ डाल दीजिए लहसुन की और इसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए। तो उसके बाद एक पैन लें, उसमें ऑयल थोड़ा सा गर्म करें और जो मिक्सचर है, जो पेस्ट है हमारा गार्लिक और रेड चिली का, उसे ऐड कर दें और उस ऑयल में सॉटे होने दें। जब वो अच्छे से सॉटे होके अपना फ्लेवर छोड़ता है, अच्छी से खुशबू आती थी कि लाल मिर्च की, सिर्फ सॉल्ट, विनेगर हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। आप चाहें तो ये चिली गार्लिक पेस्ट आप प्रिजर्व करके 1 वीक तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, सब्जियाँ कच्ची रहनी चाहिए। हमारा जो नूडल्स फ्राई था, ये नूडल्स हम इसमें डाल देते हैं। हल्का सा एक टॉस दे देते हैं इसे, फिर बाकी जो भी हमारे स्पाइसेस हैं वो सब ऐड करते हैं। हम इसमें ज़रा सी शुगर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठे का टेस्ट आए, क्योंकि तीखा हम ऑलरेडी चिली गार्लिक पेस्ट से कर चुके हैं। इसमें हम अजीनोमोटो ऐड कर लेते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून। हमारे पास वाइट पेपर पाउडर है, इसे ज़रा सा 1/2 टीस्पून के आसपास से डाल देते हैं, फिर से एक टॉस दे देते हैं इसे। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, गोल्डन ब्राउन। ये काफ़ी एक अच्छी रेसिपी है और काफ़ी डिलीशियस है। भेल के तौर पे इसे आप इवनिंग में टी टाइम स्नैक्स में ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं। अब इसके जहाँ तक प्रेजेंटेशन की बारी है, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, फ्लेम से इसे उतार के इसमें बाकी सारे स्पाइसेस
ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुकुम्बर, जो खीरा हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। इसमें हम ऐड करते हैं टोमेटो, उसे भी हमने फाइनली चॉप कर दिया है। अनार, अनार के दाने काफ़ी हेल्दी होते हैं और इसे किसी भी सैलेड भेल में एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर देते हैं। ये भुनी हुई मूंगफली है जिसे हमने ऐड किया है। अब हम इसे प्रेजेंट कर देते हैं। नूडल्स जो आपकी चाइनीज भेल रेडी है, इसे सर्व कर सकते हैं। इसमें हम फाइनली ऊपर से कुछ सेव ऐड करेंगे। हमारे पास ये हरी प्याज है, स्प्रिंग अनियन, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। कुछ अनार के दाने फाइनली टू गिव इट अ मोर हेल्दियर वर्जन। सो फ्रेंड्स, वी हैव विद अस दिस हेल्दी चाइनीज भेल विद अस। आप इसे जरूर ट्राई करें, पसंद आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि यम टच आपके साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज शेयर कर सके। थैंक यू सो मच।